पहले इस बसो कल्याण के पावन धरती पर तुम्हारा हमारा जन्म होने का सौभाग्य मिला है, इसलिए सब आप सभी मेरे माध्यम पत्रकार चैनल वाले सभी को नमस्कार। इस बसो कल्याण इस धरती पे इसी नारायणपुर ग्राम में मेरा जन्म हो गया, सो है ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे मेरा जन्म हो गया। जहाँ पे इस बसो कल्याण की पावन धरती पर जिन्होंने इक्वालिटी के ऊपर, मानवता समानता के ऊपर जिन्होंने काम किया है, इसे महात्मा बसवेश्वर जी का कर्मभूमि है। तो इस अखंड मानव समाज के लिए जो 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 भी धर्म में कमियां थी वो सब कमियां दूर करके महात्मा बसवेश्वर जी ने इस बसो कल्याण धरती पर उन्होंने मानवता के अखंडता के लिए काम करे सो है। तो महात्मा बसवेश्वर जी को मैं अभिवादन करके आज ये प्रेस मीट बुलाने का वजह यह है कि बसो कल्याण ये एक मेरा फैमिली है, क्योंकि ये बसो कल्याण में यहाँ पे नारायणपुर में मैं पैदा हो गया हूँ, इसलिए बसो कल्याण का एक परिवार मेरा फैमिली रहने की वजह से, फैमिली का मैं एक सदस्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस धरती का संरक्षण करे, अभिवृद्धि करे, इसका डेवलपमेंट करे, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। तो अभी मैं तो महाराष्ट्र शासन में नौकरी करता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आप सबको बोलता हूँ। मैं 1999 का क्लास वन ऑफिसर MPSC कैंडिडेट हूँ। मैं जो भी बोलूँगा बड़े जिम्मेदारी से बोलूँगा। तो मुझे बसो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र कैडर का ऑफिसर रहने की वजह से मुझे यहाँ पे कर्नाटक में मैं एज ए आप जैसे है वैसा मैं भी एक सिविलियन हूँ। तो मुझे इस जन्मभूमि पे जो भी अन्याय होता है या जो भी कुछ मुझे मेरा अभिप्राय देना है तो मेरा पूरा पूरा हक बनता है। तो मैं बचपन से इस धरती को 2002 से मैं सोशल एक्टिविटीज में हमेशा एक्टिव रहा हूँ। इस धरती का कैसा डेवलप होता है यही मैं हमेशा सोच रखा हूँ। 2006 में मेरे सगे भाई कालिदास वाड़ीकर, इनको जिला पंचायत मेंबर बना के उनको इस भाग का अभिवृद्धि किया हूँ, डेवलपमेंट किया हूँ। मेरे सपना एक ही है, बसो कल्याण हमारा महात्मा बसवेश्वर जी का कर्मभूमि रहने की वजह से पूरे कर्नाटक में आज मांग हो रही है जिला होना चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ ये बसो कल्याण ये राज्य होना चाहिए, कल्याण कर्नाटक का कैपिटल होना चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी। और दूसरी बात, मैं इस बसो कल्याण का मेरा परिवार रहने की वजह से, इनका सदस्य मैं रहने की वजह से सभी वर्गों का, सभी जाति धर्मों का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि एक परिवार है बसो कल्याण। तो इस परिवार का सदस्य मैं रहने की वजह से मुझे पूरा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है सभी वर्गों को लेके चलना है। तो हमने शुरुआत में जिस समाज में पैदा हो गया उस समाज से पहले भी काम कर चुका हूँ, कोली समाज का आप सभी को मालूम है। मुड़वी में भी कार्यक्रम मैंने बहुत बड़ा लिया था 2008 में। तो यहाँ पे कोली समाज मालूम ही नहीं था किसी को, तो मैंने पुड़ाकार लेके समाज का सम्मेलन लेके तो कोली समाज यहाँ पे दिखाई दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का ऑब्जेक्शन रहेगा, कोई उसमें समाज में पैदा होता है तो जैसे माँ जैसे रहती हो। तो अपने समाज का कोई सेवा करता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे समाज को हम कम लेखते या कम देखते, ऐसा नहीं है। तो अभी मैं जिस समाज से पैदा हुआ हूँ, कोली समाज से, टोकरी कोली समाज से, तो हमने 19 तारीख को हमारे समाज की मीटिंग रखी हुई है, कोली समाज, टोकरी कोली समाज की।
तो उस टोकरी कोली समाज की जो जो भी समस्याएं है, तो हमारे नारायण राव साहब पहले कोली समाज से यहाँ से विधायक थे, तो कोली समाज के लोग ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है कि हमारा लीडर नहीं है या हमारे जितने भी वो हमारे नारायण राव साहब भी सभी वर्गों को लेके चलते थे, उसमें कुछ दुमति नहीं है। तो इसके लिए उनके बावजूद उसके बाद नारायण राव साहब के बाद कोई भी जिस भी वर्ग का रहेंगे तो किसी को भी कमी महसूस होने नहीं देना बोल के मैंने एक पन रखा है, तो वो मुझे भगवान भारत माता मुझे शक्ति दे दे इतना बोल के 19 तारीख को 11 बजे टोकरी कोली समाज का तिप्रांत में हमने टोकरी कोली समाज का मीटिंग रखा है। आप सभी को भी मैं विनंती करता हूँ, आप सभी जन आइए और सभी वर्गों का हमने उन्नति की ओर लेके जाएंगे और इस बसो कल्याण पूरे कर्नाटक में जिस तरह देवेगौड़ा जी का हासन है, हमारा शरद पवार जी का बारामती है, उसी तरह अपन बसो कल्याण को हमारे पूरे कर्नाटक में एक नंबर का तालुका बनाएंगे बोल के मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। सर, ये जो 19 तारीख को जो आपने मीटिंग रखा है जी, वो किस लिए मीटिंग रखते हैं? तो एक्चुअली हालांकि मुझे मेरे पास हमारे समाज के कुछ लोग आए थे, साहब हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, समाज के कास्ट सर्टिफिकेट बंद है, समाज की कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। हालांकि 2008 में मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बूटा सिंह जी को SC/ST कमीशन के चेयरमैन थे उनको यहाँ पे बुला के तभी से कास्ट इश्यू करना चालू किया था, तो उसी सिलसिले में हमने मीटिंग बुलाया है और चार पांच मुद्दे हैं उसमें, जैसा कि अपना हमारा सभा भवन एक दिए है अंबिगार चौड़े को 2 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए, पैसा भी रिलीज हो गया और ज़मीन भी सैंक्शन हो गया, तो उसका बॉडी बनाना है, समाज का बॉडी भी चेंज करना है, ऐसे चार पांच मुद्दे हैं और भी समस्या क्या क्या रहेंगी उस दिन मीटिंग में पूरा हो जाएगा। तो इस मीटिंग में कोई और कोई बाहर से कोई आने वाला है? बाहर से नहीं, सिर्फ हम तालुके के लोग रहेंगे। माला मैडम है हमारे, शांताबा जी पाटिल है हमारे, शंकरवा जमादार है, ये सब लोग हैं मीटिंग में। तो आने वाले दिनों में कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई ज्वाइन होने का कोई इरादा है? कैसा है, मैं भी अगर कुछ बड़े फैमिली में अगर पैदा हो गया तो होता था, तो कम से 2005 में ही मैं MLA रहता था। ये हम जिस गरीब फैमिली से हम पैदा हो गए तो परिवार भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। अगर कोई पार्टी है उतना लिफ्ट देती है तो सोचेंगे उसके बारे में। लास्ट टाइम भी आपने जो है मैडम को जो है पार्टी में उतारने का प्रयास किया था? जी 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 जी। तो इसमें क्या वजह? मैंने 2006 में हमारे मेरा भाई कालिदास वाडीकर उनके माध्यम से उनको एक पॉलिटिकल नेतृत्व देके समाज आगे बढ़ाने का, डेवलपमेंट करने का एक मौका उनको दिया था, लेकिन वो पिकअप नहीं कर पाए। तो अभी मुझे तो हर नस नस में मुझे यहाँ का डेवलपमेंट, हर क्षण क्षण में मुझे बसो कल्याण दिखता है। तो अभी शालिनी वाडीकर के माध्यम से इनको पुश करके देखता हूँ मैं, पॉलिटिकल नेतृत्व दे के इनके तरफ से कितना पिकअप कर सकते हैं, कितना इन समाज सेवा कर सकते हैं, आप उनको पूछो। मेरी तो मतलब दृढ़ इच्छा है कि उन्होंने करना चाहिए, तो आप पूछो उनको भी कम करेंगे कि ना। ಈಗ ನಾನಂತೂ ಯಾ ಪಾರ್ಟಿದೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗನೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಂತ ನಾನು ಸಿವಿಲಿನ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಿನಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಕರ್ತಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಳು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಳು। ಈಗ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡಿದರು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಳು ಮಾಲಾ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್। ಸೊ ನಾನಂತ ಹಿಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಗ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾನಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ। ಸವಾಲ್ ಪೂರ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್,
आप आगे कौन सा पार्टी में जाने वाले? बीजेपी में। कन्नड़ा बर्तर है कन्नड़ा आप पार्टी में ज्वाइन आगे बीजेपी में। ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾ ಅವ್ರ ಸಂಗಟ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿನೇ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಇಚ್ಛದ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ನೂ ಇದ್ರು ಮಾಲಾ ಅವರು ಅಕ್ಕೋರ್ ಇದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿನಾಗೆ ಇದ್ದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ನಾಗ ಈಗ ನನಗೇನು ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾಲೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗೆ ರ್ಯಾಷನ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ ಏನಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದು ಆಗ್ಲತ್ತವ ಜಮಾ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಏನು ಮ್ಯಾಲ ಕೂತಿರೋರೇನು ಹೇಳತ್ತಾರ ಸೈನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಯಾರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ದವ್ರು ಅದಾರಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿ ಅದ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಇದು ಮುಂದೆ ಬರ್ಗೂ ಬಿಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮೇಡಮ್ ಜಿಸ್ ತರ ಆಪ್ ಬತಾ ರೇ ಆಪ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇ ಹಿ ರಹನಾ ಚಾಹತೇ ಔರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಿ ಆಪ್ ಯೇ ಕರ್ನಾ ಜಾ ರಹೇ ಹೋ ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಜೋ ಫಿಲ್ ವಕ್ತ ಜೋ ಹೈ ಶರಣು ಸಾಲ್ಗರ್ ಜೋ ಹೈ ಬಸೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ಖುದ್ ಕಾ ಭಿ ಜೋ ದಾವಾ ಹೈ ಕೆ ಆನೆ ವಾಲೆ 25 ಸಾಲ್ ತಕ್ ವಹಿ ಬಸೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ರಹೇಂಗೆ ದಾವಾ ಮೈ ಭಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಿ ಹೋ ಆಪ್ ಕಿಸ್ ತರ ಸೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕಿಸ್ ತರ ಸೇ ಲೇಂಗೆ ದಾವಾ ಮೈ ಭಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಿ ಹೋ ಮೈ ಭಿ ಮೋದಿ ಬನ್ನಾ ಚಾಹತಿ ಹೋ ಎಂಪಿ ಬನ್ನಾ ಚಾಹತಿ ಹೋ ತೋ ಅಭಿ ಮೈ ವೈಸಾ ಬೋಲ್ನೆ ಸೇ ಹರ್ ಕೋಯಿ ಥೋಡೆ ಹಿ ಹೋತಾ ಹೈ ವೈಸಾ ಜನತಾ ಜೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಕರೆಂಗೆ ಉಸ್ಕೋ ಹಿ ಯೇ ಕರೆಂಗೆ ನಾ अभी अगर मुझे मौका दिएंगे तो मैं भी बन सकती हूँ ना उसमें और वो अभी देखो 1.5 साल तो हो गया है उनको आके क्या क्या करें आप बोलो मुझे खेला कुछ बोल रहे तो आने वाले दिनों में जैसा कि उन्होंने खुद आप सदर 10 एमएलए हैं तो आगे भी जो हाईकमांड उन्हीं को टिकट देंगे क्योंकि रनिंग एमएलए को टिकट देगी पहले और वो तो देखेंगे ही ना हाईकमांड जो भी है वो देखेंगे कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है देख ही देंगे अगर से हाईकमान उनको टिकट देती है तो उस वक्त आप क्या करेंगे पार्टी कुछ नहीं उनको पार्टी का अभी दूसरा देखना पड़ेगा नहीं पार्टी को सपोर्ट करेंगे या फिर पार्टी को सपोर्ट कर दूंगी सर ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಬ್ರಿಕಾ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನೋ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾವು ಶಾಸ್ತ್ರತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ಈಗ ಇರೋ ಶಾಸ್ತ್ರತ್ರ ಏನು ತಗೊಂಡೋಗಿರೋ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾ ಏನು ತಿಳಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತಕಸಿ ಇದು ಇತ್ತು ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕಸಿ ಈಗ 19 ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಿದ್ದೀನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ನಹೀ ಸಾಬ್ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋನೆಕ್ಕೆ ಬಾದ ಉನ್ನು ಉದರ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇ ಚಲೇ ಗಏ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ನಹೀ ಹೋ ಗಯಾ ಕುಚ್ ಭಿ ಪೂಛ್ನಾ ಹೈ ತೋ